अजीत पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग को ये जानकारी दी है कि अजीत पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 30 जून को एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला हुआ है। तो सुनील, इस पर इस वक्त ये खबर आ रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है अजीत पवार को, जैसा कि चुनाव आयोग को जानकारी दी गई है। देखिए, कल तक तो इनकी रणनीति यही थी, जब परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी प्रफुल्ल पटेल ने, तब उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमारे शरद पवार ही रहेंगे, उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पे कहा था। जी बिल्कुल, और अब अभी तक के हमने जो बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं उसमें सबसे बड़ी फोटो शरद पवार की है, ये बताया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि जो आगे चल के, चूंकि अब ये कानूनी लड़ाई है, ये एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई है जो कि अब कानूनी लड़ाई के रूप में परिवर्तित हो रही है, तो स्वाभाविक तौर पर जो इनके साथ नहीं है उसे अभी अध्यक्ष दिखाएंगे, और तो वो जब दिखेंगे ही नहीं साथ में तो आगे जाके अपना पक्ष कैसे रख पाएंगे। तो इसीलिए लगता है कि एक रणनीति के तहत ये परिवर्तन किया गया होगा और अजीत पवार को ही एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना गया, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा तो अजीत पवार ही है इस पूरे गुट की। अब तक लगातार ये कहा गया कि शरद पवार जो है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है और तमाम इस कैंप के लोग भी यही कहते रहे, लेकिन अब ये पता चला है कि अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग को जानकारी दे दी है। धन्यवाद आपका सुनील।